तुम इंसानों को क्या लगता है, तुम्हारी जिंदगी में काफी दर्द भरा है? क्या करे, खुशी के पीछे दौड़ना भागना तो तुम्हारा चरित्र है। पर ये कभी मत सोचना कि ये दर्द इस दुनिया तक सीमित है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, योर क्रिएटर, योर डिस्ट्रॉयर, योर गॉड। एंड दिस इज द स्टोरी दैट बिगिंस ओनली आफ्टर इट ऑल एंड्स। जय राधे माँ। जिंदगी भर खुशी के पीछे दौड़ता रहा, मगर अब नहीं यार। अब खुशी तेरे पीछे दौड़ेगी। अबे, don't lose hope यार। तुझे बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। Everyone got something to live for यार। But nobody would care if I live or die यार। अरे, as your counselor and your friend मैं कहना चाहूँगा कि I'm always here for you। What dude? Cool. अरे नादान, तूने इसकी बात क्यों नहीं मानी? ये तो बस अब किस्मत बताएगी। तुझे लगा जिंदगी एक अद्भुत परेशानी, अब तो बस किस्मत ही सताएगी। अरे चलो भाई खाना भर दो। कौन डाल से हो? जो जावे वो जावे ली। ओए लग तो नहीं रहा। सही से नहीं लग रहा। बहुत दर्द हो रहा है यार। भैया, अरे सुनिए, यू कैन सी मी? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बट तू तो जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हैं? महात्मा, ये पॉसिबल है क्या? किससे? हाँ है, तेरे साथ ही हो रहा है, किसी काम का नहीं है बेवकूफ। अरे उल्लू के बट्टे, परमात्मा। परमात्मा? हाँ। कौन परमात्मा? कौन परमात्मा मतलब गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, धर्मेश्वर, भोलेनाथ, विष्णु, हम बोले कौन हो तुम? चिकन कॉल मी डूड। डूड क्या देख रहे हैं? अभी क्या समझ आएगा तू? बोल कुछ भी भाई, समझा यार, समझ में नहीं आ रहा। देख ये बता, तूने मरने की कोशिश की थी कि नहीं? हाँ करी तो थी। कैसे? यार क्या करेगा यार, जान गया। बता ना क्या करेगा यार, छोड़ना यार, यार मत गया यार, बता यार, ना क्यों मर्डर होता है यार? मतलब तू मरा भी नहीं और जिंदा भी नहीं? यार मैं कुछ समझा भी नहीं। तुम भूत हो या तो स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, अभी यहाँ क्यों मंडरा रहे हो? तुझे पता है भूत भूत कौन है? भूत यार भूत भूत होते हैं यार, भूत भूत होते हैं। देखो भूत वो होते हैं जिनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती, तभी तो सारे भूत स्वर्ग की एंट्री टिकट के लिए तरसते हैं। अच्छा, तभी तभी तुम लोग परेशान रहते हो और हम लोग को भी परेशान करते रहते हो, कह सकते हो। लेकिन अब परेशान करना मजा होता है यार। लिम्बो में ठीक है भाई, शादी से मरने भी नहीं दिया है लोगों ने। तो उसका कटवाना क्यों चाहता है? क्या बताऊं यार, इस नदी में लिम्बो है, ना कोई चाहत ना कोई ख्वाहिश। हमारी तो एक ही चाहत, एक ही ख्वाहिश। ध्यान से मार गिर जाएगा। मैं तुझे कुछ भूतों से दिखा। You will find that death is much more complicated. समझा? तू बैठ। वो आएंगे और समझाएंगे। चल रेस्ट कर। तू ये किया अपने दिल की फिर। मैं मिटक क्या था? जल्दी से मैं मिटक क्या था? अभी भी मिटक। अच्छा मिटक क्या था? मेरे डरावने बकरी शाचो और सियारी चढ़े लो। Thank you.
फिलहाल फिलहाल एक बंदा बसा है किस्मत में, सबसे अपनी ख्वाहिश से बताओ और स्वर्ग जानना टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज अप्लाई। तो पहले कौन बोले? मैं 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 प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है अबे राहुल गांधी, पिछला इलेक्शन जीत नहीं पाया, आगे जीतेंगे। हेलो आर एस मिस्टर नीलम स्टॉक आईएनसीटीसी सर कैसे बढ़िया लिंबो में मिसेस आर्मस्ट्रांग कैसी है? क्या स्वर्ग पहुंच गई आपके साथ? लिंबो में नहीं है, हनीमून पे है। हनीमून पर सर, सर सर एक बात बताइए, क्या आजकल चांद पे जाना पॉसिबल है? नहीं है, आपका जीरो ग्रेविटी पैन भी खो गया। सर एक मिनट होल्ड कीजिए ना सर। अबे रेंचो पर भैया जी भाई इधर 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 भाई उनका जीरो ग्रेविटी पैन लौटाओ, वो मांग रहे। एंड सो इट गोस, चार आत्माओं को उसने चुन लिया जो अपनी अधूरी ख्वाहिशों में फुल स्टॉप लगाने के लिए अर्पित के पास निकल पड़े। उसमें से एक थी इप्सा, एक शॉपोहलिक दल, दूसरा एक काउंसिलर, तीसरा एक आशिक राज और चौथा एक तांत्रिक। आओ मोबाइल ले, मैं तुझे उन बंदे से सब बर्फ। अरे कबीर अरे वही तो बंदा है मैगी वाला। क्या कुछ खाया करो भैया। तुम्हारा काम तो दूसरों की मदद करना है, खुद मरना थोड़ी है यार। अरे मेरी लाइफ झंड है यार, अभी थी सारे पेशेंट्स या तो मर जाते थे या फिर बुरी तरह डिप्रेस हो जाते थे, पर तुम तो अलग ही क्रिएटिव निकले यार। मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार, मैं मुर्दा थोड़ी हूँ। अच्छा वो छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुना, मेरी पोजीशन मेरे हाथों से फिसल रही थी और मेरे दोस्त मुझे छोड़कर जाने लगे थे। मेरी फैमिली मेरे फोन नहीं उठाती थी, मैं बहुत दुखी था। दुख की बात तो ये है कि परेशानियों के बावजूद भी स्काई टीवी पर कोई अमेजिंग लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट नहीं मिला। एक दिन मैं अपनी नैनों में जा रहा था कि अचानक सामने से कोई बंदा आ गया और हमारे सामने आओ। क्या भाई अभी तो गया था, वापस बुलाया। शांत सुनो मेरी बात। बिग बॉस डूड, तुमने इन आत्माओं की मदद करके खुद को स्वर्ग आने के काबिल साबित किया है, अब आ जाओ मेरी शरण में। क्या फायदा आके ये बताओ, अलाउ तो करते हो नहीं, भेज देते हो वापस नीचे। मुझे भी कभी अपनी शरण में ले लिया करो। अरे गॉड डोमेस्टिक प्रॉब्लम। अरे बोलो मम्मी मम्मी। अरे कोई काउंसलर को भेजो भाई। चलो बुलावा आया, सोनिया गांधी ने बुलाया। चलो बुलावा आया। अर्पित सुन, देख मैं तुझे तेरा पहले मरीज से मिला,
ये वो बंदा है, बड़ा ही फिल्मी भूत है यार। टेक केयर। भेजो भैया। आज। एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, कौन है तू? मैं राज। नाम तो सुना ही होगा। क्या यार भैया, अब भी ऑडिशन क्लियर किया, इतना दौड़ाया भगाया, अभी मेरी बारी आई तो ऐसे करोगे? चल बताओ भाई, तुम्हारी कहानी क्या है? सुनो, पहले मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, फिर मैंने उसको देखा, साल बीत गए और मैं बड़ा हो गया। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे ना आप में बसना है। आए हाय, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। नहीं नहीं, मुझे आप में ही बसना है। दूर रहो यार, कहाँ कहाँ से जाते हैं लोग। मुझ में बसना है। उसके दिल में बसने के लिए। हाँ मेरी बात बता, ऐसा क्या खास है? जाने, ये बात है 100 साल पुराने। बस कर, ठीक है यार, आप पूरी कहानी तो सुन लो। आप सुनो, पहले मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, फिर मैंने उसको देखा, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, न जाने क्या क्या करता था। एक लड़की भी थी जो नहीं थी दीवानी सी। अरे मुद्दे की बात बताओ। स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि वो मुझे लड़की बहुत पसंद थी। भाई एक बात बताओ, तुम इतने टाइम तक पृथ्वी पे थे, तुमने यू नो आई मीन कुछ किया क्यों नहीं? कोशिश तो बहुत की, दोस्तों से शायरियां भी लिखवाई थी बहुत सारी। शायरी? एक शायरी मेरी सुना दो आप। रात से खा जाए। तेरी जिंदगी में कभी गम कम ना हो, खुशी भी कभी कम ना हो, भगवान तुम्हें ऐसी आइटम दे जो दबंग की मुन्नी से कम ना हो। तो ताली। वो लोग तो आशिक मिजाज वाली शायरियाँ लिखते थे, एक दो तो मैंने भी लिखी थी, सुनाओ। अब यार, बदन पे हाय हाय, बदन पे सितारे, स्टार्स ऑन द बॉडी, ओह लपेटे हुए, वाह वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। आप क्या बात है, कितना मतलब एक ऐसे मिल जाएगा, गुलाबी आंखें, यू नो पिंक आईज, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना हर दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अब बंद कर दो यार तुम दोनों, कब से सुन रहा हूँ यार, धरती पे तुझसे कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर भी ना हो पाएगा भाई। रहने यार, भैया ऐसे क्या कर रहे हो यार, मुझे बहुत पसंद है वो, कुछ तो करो, समझा यार इसे। देखो पक्का वही चाहिए। हाँ, I have a process, fusion, yeah, in which he can possess you. So, let's start the process. Stand up, get up, take up positions. ऐसे घूरते क्यों मुझे? मेरे मन में पार पड़ी।
शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूल सड़ी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमल जी, श्री गंगा प्रसाद। प्रमोद जी आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। आप एक ही लल्ले की बात सुनकर फिक्र में मत पड़िए प्रमोद जी, अगर छिड़की ने चाहा तो घर लल्लों की लाइन लग जाएगी जी। आजा वत्स, आखिर तूने उसे बोल ही दिया, आजा मेरी शरण में, आजा। अरे वो तो गया, अब लल्लू की लाइन कौन लगाएगा? मैं अच्छा आ गए। अरे ये तो अंकल बोल रही है। अरे दादी अंकल सुनिए ना, मेरे फेस के ग्लो के लिए कोई जड़ी बूटी दीजिए ना। बूटी बूटी और क्या उनका प्रसाद हुआ था एक बार वहीं से सेल्फी तो बहुत ले ली गई। फाइनली सेंटर से जीपी का टाइम आ गया है भाई तुझसे। अरे महाराज जी आप बताइए, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? भगवान ने देखिए बताइए, भगवान ने मुक्ति क्यों नहीं दिया आपको? देखो इंद्रनाथ की कहानी हम बताएंगे। इंद्रनाथ के परिवार ने पूरी की पूरी मुर्दा कम्युनिटी का जीना हराम कर रखा था। सारे किसी को मजे ही नहीं करने दिए जिंदगी में। नादान बालक तुम शांत हो जाओ। क्या शांत? प्लीज प्लीज इसमें फंडामेंटल राइट, अगर मर्द के बच्चे हो तो कुछ घाट बताओ। नालायक तेरे इतना दुस्साहस, अब देख अपने काले जादू से तुझे कैसे भस्म कर दूंगा। करेगा ओ मीन रीम प्ली। और पता नहीं अचानक तुलसी देवी माँ चुड़ैल माँ 105 का क्विज ले लेती थी। सॉरी मैम, भेजा मुझे यहाँ, मेरा पूरा परिवार पिशाचों को मुक्त कर देता है तो मुझे क्यों नहीं करता? भाई ये फुटेज खाएगा। आप इतना चिंता मत करिए, आप बताइए मैं अभी मना कैसे करूं? मेरी पूरी जिंदगी व्यर्थ हो गई, अब जाते जाते किसी आत्मा को मुक्त कराना चाहता हूँ। एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म इनको आत्मा कहाँ से मिलेगी? तो खुद आत्मा है। What? मैं तुम्हें अपने बस में करके खुद को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। तो पहले मेरे अंदर आएगा, तो मन पड़ेगा, फिर बाहर आ जाएगा। <Feedback!
And heaven gets open. आ जाओ तांत्रिक, तुम भी आ जाओ. तुम क्या बैठे हो वहाँ? एक्सरसाइज भी कर लिया क्या? एक्सरसाइज? अमिल, ओके. तांत्रिक चला गया, उड़ गया इसका सब. बॉल, बॉल, यार ऐसा है, तुम लोगों की मदद करके पता नहीं मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली है. This is all about your subconscious desire to have a goal in life. Subconscious. तुम जब भी लोगों की मदद करोगे ना, सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होगा. I think you're right. Yo man, yo man, 500 hmm? bucks. और स्लाइड के मारा था ये फ्रेश है वैसे नहीं फ्रेश है. हाउ डू यू आई थिंक आई एक्चुअली फील गुड हियर. आई फील ऑसम. अमेजिंग, फाइनली किसी की मदद तो की मैंने. ओके, क्या कहती हो प्रिय, बुला ले इसे भी ऊपर. हाँ बुला लो, बुला लो. पूछता है वो मैरिज काउंसलिंग भी करता है क्या? यार सारी आत्मा चली गई यार. भाई एक बार बताओ, स्वर्ग में नागी बनती कि नहीं? क्यों, अभी भी मरना है? यार देखो, तुम लोगों की मदद करी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद ही मोक्ष मिल जाएगा. यार लाइफ इज सो कलरफुल नाउ, ठीक है? माय लाइफ इज आल्सो कलरफुल, बट मेरे पास भी एक आइडिया है तुम आत्माओं की मदद करने का. आई एम थिंकिंग कि देयर शुड बी नो प्रॉब्लम्स. No typical Bollywood romantic guys. Just Bob Marley. कैसे? कैसे? बस बस एक एनजीओ खोलूँगा खुद का, आराम से सबको ही खुशी बांटूँगा. देख ये आइडिया तो अच्छा है, but क्या? No buts. Just cigarette butts. And so accidentally or not, इस गंजेड़ी ने इतने सारों की मदद करके स्वर्ग की ट्रेन का टिकट ले ही लिया. उसकी दुनिया अब सुहानी हो सकती है. अजी वो तो पहले से ही सुहानी थी, शक्ल देखी है उसकी. शान, मुझे नरेशन करने दो. भगवान हूँ तो क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा क्या? अच्छा सुनती हो, खाना बना कर रखना, मैं हिमालय जाकर आता हूँ. कोई ऋषि मुनि को निर्वाण प्राप्त हुआ है, उसके सामने जाके तांडव वांडव करके आता हूँ. सुलझा कि नहीं? निकल जा स्वर्ग से, वो सादे स्वर्ग की भोल तो है तू, नालायक कमीने. वो मेरा क्षण था, कोई बॉम्ब नहीं था तेरा. बॉम्ब नहीं बॉम्ब. अरे यार दिक्कत है तो बॉम्ब बाबा जी की छूटी. बाबा जी की छूटी.